नमस्कार। आज हम आपको एक विशेष चर्चा का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। जैसे ही चुनाव का वर्ष आने वाला है, जातिगत राजनीति से लेकर कुछ सम्मेलन आयोजित होने लगे हैं और आज हम चर्चा करेंगे पंजाबी सम्मेलन पर और बात भी करेंगे पंजाबी में। मेरे साथ हैगे ने आज प्रदीप सचदेवा जी, जिहड़े सरसा च पंजाबी सत्कार सभा चलांदे ने और पंजाबी विरसे वास्ते बड़ा काम कर रहे ने। उन्हां दे नाल हैगे ने अरुण मेहता जी, जिहड़े मुल्तान सभा दे सक्रिय सदस्य ने ते सरसा तों निकलण वाले एक दैनिक समाचार पत्र समर घोष दे संपादक भी ने। उस तों इलावा साडे सीनियर जर्नलिस्ट साडे नाल ने गुरजीत मान जी, जिहड़े पत्रकार ने, प्रगतिशील किसान हैगे ने। ते अज असी विशेष करके चर्चा करांगे सिख पंजाबी सम्मेलन जिहड़ा सरसे च जिसका आयोजन किया गया। सब तो पहला, क्योंकि उन्होंने आयोजकों शामिल सी प्रदीप सचदेवा जी, मैं उन्होंने तो जानना चाहवागा प्रदीप जी, इस दी लोड़ क्यों पई? आटिया जी, ये जिहड़ा सम्मेलन होया अनाज मंडी विच, पंजाबी सिख सम्मेलन जिहड़ा होया, ये कुछ ऐसे लोग है जिहड़े बिल्कुल गैर राजनीतिक लोग है, उन्होंने किया पर उन्हों का साथ राजनीतिक लोगों ने भी दिता, जिहड़े पंजाबी समाज के सिरकट लोग से उन्होंने साथ दिता। और खास तौर पर सम्मेलन की जरूरत क्यों हुई? तुम कह रहे हो कि इलैक्शन नज़दीक आ जाता, दो ही करते हैं, ये ठीक गल है कि इलैक्शन नज़दीक है और डेमोक्रेसी लोगों को लगता है कि असी जे असी पांच चार साल असी कुछ नहीं कर पाते तो साढ़े को एक मौका होंगे किसी गल को कहने का, वोट के तरीके कह सकते हैं आपका वोट किस तरह उन्होंने देना है, उन्होंने समझ आ जाती है कि साडे वोट का बहुत ज्यादा असर है डेमोक्रेसी में। इस करके लीडर भी इकट्ठे होने लग जाते, कोई दो राय नहीं। पर यह जो सम्मेलन से, मैं तो बिल्कुल उन्होंने गवाह रहा उस सम्मेलन का, उनके हजारा हजारा लोग अपने आप आए थे और जो उन्होंने सेंटीमेंट्स नूं देखिए तो बिल्कुल वो परेशान है जी, साडी हरियाणे की खास तौर पर सियासी समाजिक आर्थिक जी व्यवस्था उस तो परेशान है और कोई रस्ता लग रहा है, लीडरशिप ये रस्ता दे, उनकी जिम्मेवारी है। पब्लिक दी सेंटीमेंट्स बिल्कुल ईमानदारी नाल आए हैं, लोग वो आ गए हैं, उन्होंने हम किस तरह संभालना, उन्होंने किस तरह अगे लैके जाना, उन्होंने जोड़े हक है उन्होंने वास्ते किवें लड़ाई लड़नी है, ये जो स्टेज उपर लीडर बैठे से जिन्हों असी भी शामिल हाँ, साडी जिम्मेवारी है और सानू ईमानदारी नाल कोशिश करनी चाहिए और सब लोग कोशिश करनगे, आस करते हैं। उनका मैसेज जिहड़ा सी उसमें बड़ी जबरदस्त बारिश आ रही थी और मैं देख रहा सी हजारा हजार लोग आ रहे सी, पंडाल में जगह नहीं बची, उस बसा च बैठे सी, मंडी दुकाना से लोग बैठे सी, मतलब लोग तो आ गए और लगातार हुंदा रहा पिछले 50-52 साल हरियाणे में नहीं, जो भी ये इकट्ठ होया खिंडाण की कोशिश करके कुछ लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश। बिल्कुल तुहाडी गल सही है प्रदीप जी, इस चीज का राजनीतिक लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उस दिन भी सम्मेलन च वेख रहा सी कुछ राजनीतिक लोग जिहड़े टिकट के चाहवान ने डिफरेंट पार्टियां तो, वह भी वध चढ़ के उनके च हिस्सा लै रहे सी। तो मैं दूजे वारी तुहानू फिर कुछ पुछांगा, उस तो पहले मैं मुल्तान सभा के सक्रिय सदस्य अपने अरुण मेहता जी नूं विच लिया चाहवांगा बहस च। मेहता जी, ये वेख्या भी सरसा के जिहड़ा पंजाबी हैगे ने ना, उन्हां च ये हुंदा भी अरोड़ा जिहड़ा हैगा उही पंजाबी है और जा मेहता जिहड़ा वो पंजाबी हैगा, बाकी होर पंजाबी नहीं हैगा, तुहाडा की मनना हैगा वास्तव विच जिहड़ा हैगा पंजाबी है कौन ने? क्योंकि राजनीतिक दल जिहड़े हैगे ने वो पंजाबियों नूं बिखेरन वास्ते कर रहे ने, ते इस चीज़ नूं सब तो पहले पंजाबियों नूं ये गल समझनी पैगी भी पंजाबी है की ने, तो तुहाडा की मनना है कौन ने पंजाबी? देखो बाटिया जी, अगर हम जातीय समीकरण की बात करते हैं तो पंजाबी कोई कास्ट नहीं है। मैं किसी की कुछ तारीफ या वो नहीं करना चाहता, लेकिन अभी पीछे एक हिसार में फंक्शन हुआ था, मुख्यमंत्री उसके जो बीजेपी के हैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, एक पंजाबियों का फंक्शन था, तो पंजाबियों के अंदर एक्चुअली बेसिकली एक दिक्कत तो है ही, चाहे आप दलित समाज को ले लो या अन्य किसी समाज को ले लो, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो उनको फैसिलिटी देती है, वहाँ कहीं ना कहीं पंजाबी तो छूट ही जाते हैं और उनको जब दिक्कत आती है तो इस तरीके के जब सम्मेलन ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो अपनी भावनाओं के साथ भी एक भीड़ के रूप में जाते हैं।
तो उनके अंदर पीड़ा तो है ही, जब उनके साथ ऐसी दिक्कतें होती हैं तो ये पीड़ा है। लेकिन जहां हम जातीय समीकरण की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने भी स्टेज से कहा था कि पंजाबी को कास्ट नहीं है, बेसिकली देखो खत्री है, कोई नरूला है या कोई फुटेला है, ये ठीक है कास्टें हो सकती हैं हैं, लेकिन पंजाबी तो वो है जो पंजाबी बोलता है, जो हमारे पाकिस्तान से आए पंजाब में बसे और जो पंजाबी बोलते हैं, चाहे उसमें कंबोज बिरादरी हो, चाहे सिख बिरादरी हो, चाहे हमारी जितनी भी बिरादरियां, हम सब भी पंजाबी बोलते हैं, तो बेसिकली तो पंजाबी वो है। लेकिन सब पंजाबियों के साथ हमेशा ये जाति हुई है। तो इस तरीके के सम्मेलन हुए हैं, जहाँ तक इस सिरसा वाले सम्मेलन की मैं बात करूँ, देखो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये लोग ये सब चीज़ें करते हैं। जब चुनाव आते हैं, आपका मुद्दा ठीक है, आप जो बात जो सवाल है आपका, अभी चुनावों में ही ऐसा, एक तो आप ये देखो कि राजनीति में लोग इतने ज़्यादा सक्रिय होते जा रहे हैं, बिना किसी के भी एजुकेशन है या नहीं है या ये चीज़ें हैं या नहीं है, लेकिन एक साल पड़ा है अभी चुनाव को, और इस बार आप देख रहे होंगे कि साल पहले ही ये काम शुरू हो गया, वरना 2-3 महीने पहले हुआ करता था। तो चलो वो चीज़ ठीक है, पर मैं समझता हूँ कि उनको इस चीज़ को एक तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। जहाँ तक आप अरोड़ा बिरादरी की बात कर रहे हो, जब पीछे जनगणना हुई थी तो बहुत से लोगों के हमारे पास भी फोन आए, हम चाहे मुल्तान सभा एक सिरसा में बनी हुई है, वो हमारा एक छोटा सा परिवार इस तरीके से बना हुआ है कि किसी के सुख दुख पे काम आने की बात है, लेकिन बेसिकली सारे पंजाबी बेसिकली अरोड़े हैं। जनगणना की बात आई तो सबने अरोड़ा ही लिखवाया है, तो है भी अरोड़ा। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो ये फंक्शन को लेकर जो चर्चा हो रही थी, इसमें मैंने भी देखा कि बहुत से लोग इसमें अपनी राजनीति की थोड़ा सा अगर सामने IQ मतलब उनका यही काम कर रहा है कि सामने पिक्चर में आएंगे तो शायद हम दिखेंगे, तो वो एक कल्चर को जिंदा रखने के लिए कम था और एक राजनीति में सक्रिय होने के लिए वो फंक्शन ज्यादा था। तो अगर पंजाबियों को कल्चर जिंदा रखना है, पंजाबियों के मान सम्मान की बात करनी है, पंजाबियों के हकों की बात करनी है, तो उसमें सबको साथ लेके चलना बिल्कुल ठीक है, सारे को नाल लेके चलना होगा। तो मैं एक गल खुद कह के उस तो बाद मान साहब नूं विच लियावांगा, हरियाणे दे विच जद जाट अंदोलन होया तो जट सिखां नूं जाटां ने अपने विच गिणिया, लेकिन एक पंजाबी भाषा की या पंजाबी कल्चर की एक महानता हैगी है, आम तौर पर उस अंदोलन के जट सिख शामिल नहीं सी, और अगर उन्होंने एक अद्धा शामिल किया भी तो वह एक सिर्फ सिंबोलिकली है सी। वैसे जट सिख व्यक्तिगत गल विच भी वो इस गल तो शायद हक च नहीं है भी आरक्षण जट सिख मंगता हो आरक्षण। मैं मान साहब को लिया तो पहले गल कहना चाहवागा भी पंजाबी की हैगी है, पंजाबी वास्तव में उही है जिहड़ा पंजाबी बोलता है, और असी जान बुझ के पंजाबी सूबे के अंदोलन तो बाद जिहड़े पंजाबी बोलते सी हिंदी मातृ भाषा लिखाण लग पे, उसने बड़ा ठेस पहुँचाया इस पंजाबी नूं। कदी हरियाणे दे विच 50% लोग पंजाबी बोलते सी, ते अज भी अगर गिनती होवे फिर असी सिर्फ 9% ते आ गए या रोड़े हैगे ने 9% तो ही पंजाबी ने। मेरा यह कहना है पंजाबी कौन कौन ने, मैं अपनी मेरी समझ के नाल हैगा अरोड़िया तो अलग जिहड़े पंजाबी ने जिहड़े पंजाबी वास्तव में हैगे ने, जट सिख, अरोड़ा सिख, मजहबी सिख, चमार सिख, अनुसूचित जाति के नाल जिन्हें भी लोग जिहड़े पंजाबी बोलते हैं चाहे उन्होंने कोई भी जाति हैगी है, उस तो इलावा कमो सिख और कमो खत्री कमो जिहड़े क्लीन शेव कमो हैगे ने, कमो सिखां तो इलावा इन सारे वखरा वखरा डिफरेंट पार्टियां ने वखरा वखरा वंडिया। एक है भी कमोवा दी 6 सीटां ने, जट सिखां दी 7 सीटां ने, पंजाबियां दी 8 सीटां ने, जबकि हरियाणा 90 सीटां दे विचों 40 सीटां ते अज भी ओह मुहिम ते चला। एक बहुत वड्डे राजनेता हैगे ने जिहड़े जाटां दे अंदोलन च गए ते उन्होंने कहा भी मैं जाट पहले आ, लेकिन साडा कोई भी पंजाबी लीडर इहो जिहा पैदा नहीं होया जिहड़ा वड्डी पोस्ट ते होवे ते उह कहे जी मैं पंजाबी पहले हैगा ते लीडर बाद च, इह साडे च कमी हैगी है। इह बड़ी वधिया गल है भी एक पंजाबी सिख सम्मेलन दे माध्यम ते एक भाईचारा इकट्ठा करन दी कोशिश कीती गई है, एक संदेश देण दी कोशिश कीती गई है। ते मान साहब इह जिहड़ा होया सम्मेलन, इस नूं तुसीं किवें लैंदे हो ते अग्गे की लोड़ हैगी? मैं इत्थों शुरू करूंगा, मैं तुहाडे तिन्नों साहिबान नाल सहमत है, थोड़ी थोड़ी पीड़ा भी तुसीं दसी
लेकिन मैं ये कहना चाहना कि जी अपने हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है अजय तुम जो फुली डेमोक्रेसी कहो तो नहीं है, इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है। इतने कोई भी काम दस वास्ते भी धरने प्रदर्शन सैमीनार रैलियां करनिया पैनिया सिर्फ एक सूचना या संदेश देनी। ये मुकाबले अपना जो यदि कंपैरिजन ग्लोबल करिए कैनेडा की गल करते हैं, कैनेडा में पंजाबी पहला नहीं होंगे सी, हौली हौली गए वसे, हिंदुस्तान तो भी गए, पाकिस्तान तो भी गए, सारी दुनिया भर तो गए। अज कैनेडा की पार्लियामेंट च थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी है। उत्थे मेरा ख्याल पांच या छे पंजाबी मिनिस्टर ने, चाहे वह सिख ने चाहे नहीं सिख ने। उत्थे पाकिस्तान तो गया भी पंजाबी उसकी क्षत्री जो है उस तो हिंदुस्तान तो चाहे ब्राह्मण है चाहे सिख है चाहे सिखा की सब कास्ट में कुछ भी है चाहे हिंदुओं की सब कास्ट में कुछ भी है वह पंजाबी अपने आप में पहला कहता है फिर कुछ होर कहता है। लेकिन मजेदार गल उ यह है कि उत्थे पंजाबी की डिमांड नहीं हुई सी, उन्होंने अपनी मरदमशुमारी सेंसस के थ्रू आटोमैटिकली जो उन्होंने हक बनता सी वह दिता गया। कि यह चीज़ा हिंदुस्तान अज के हिंदुस्तान कल्ली पंजाबी में छोड़ो कि होर लैंग्वेज की भी गल कर लो कि यह पॉसिबल है? आई विल से नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। असी अजे उस तरह के प्रजातंत्र सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर पाए। उस स्पीडा लैके भी यह सम्मेलन कुछ अच्छी भावना रखते हुए लोगों ने किया, तुहाडी गल विच नाल मैं सहमत है कि कुछ कुछ सितारे अपना सितारा चमका ले भी उन्होंने अपने अपने स्वर जिहड़े राजनीति नूं लैके बोले। लेकिन जिहड़े पंजाबी कौन ने जिन्हां दी माँ बोली पंजाबी है उही पंजाबी ने, चाहे उन्हां दा धर्म मजहब मजहब वेशभूषा पोशाक कैसी भी है, वो सब पंजाबी ने। चाहे वह पाकिस्तान तो आते हैं चाहे पंजाब तो आते हैं चाहे हरियाणा तो आते हैं। तुहाडा थोड़ा जिहा समा होर लैंदा होगा, एक मैं गल कहना चाहूँगा कि हरियाणा जो वखरा होया यह लिंग्विस्टिक बेसिस से साड़ी डिविजन हुई सी, एक तो डिविजन ठीक नहीं हुई उस टाइम भी राजनीति हुई। साढ़े बहुत सारे पंजाबी इलाके तुम घग्गर तो लै लो, घग्गरगढ़ जितों शुरू होती है मोरनी हिल्स तो ये दोनों पासे पंजाबी बोली लोग है, लेकिन इन्हों उदो उस बेसिस के बावजूद हरियाणे में कर दिता गया। इतने ना उन्होंने सभ्यता सेम सी ना उन्होंने बोली सेम सी। उस तो बाद काफ़ी चिर भी चलता रहा कि शायद ये रीओरगनाइज हो के फिर इन्हों पंजाब कर दिता जाएगा, या उधर जो कोई हिंदी बोली इलाके रह गए तो उन्होंने हरियाणे लाया जाएगा। ये सिर्फ एक मुद्दा की गल सी, शाहयोग भी हो पर उस तो बाद कल्लू खेड़े वाला भी कि उसनों भी बड़ा वो किस तरह नजिठा गया, उस काफ़ी स्ट्रगल हुई। प्रॉब्लम इस वे हरियाणे के पंजाबी में यह आ रही है कि जे असी पंजाब जाते हैं तो वह सानू वह भी पंजाबी मन तैयार नहीं कहते हरियाणा वाले, तो हरियाणे असं बैठे होंगे तो हरियाणा के जो मूल लोग है वह कहते पंजाबी हो। एक पीड़ा की गल है ये पिछे जिड़ी कि नहीं होनी चाहिए। एक सभ्य समाज में ये चीज़ा बोलियां विकसित करना चाहिए, ना कि उन्होंने एक या दो लैंग्वेज ही तुम प्रमोट करो, चाहे नैशनल लैंग्वेज है। रीजनल खित्या तरक्की लिए उन्होंने माँ बोली, देखो रशिया की कोर्ट सचदेवा जी दसनगे कि किसी का सब कुछ खत्म करना है तो वो माँ बोली खोलो। सेंसस जो होया लिंग्विस्टिक सेंसस होंगे उस वे जे लिखण आते हैं तुम नोट किया होगा उस कॉलम बारे पुछते ही नहीं थोड़ी जबान कही है, तो वह अपने आप हिंदी लिख देंगे उस जे तुम उन्होंने क्वेश्चन करते हो, जे तुम स्ट्रोंग नहीं हो तो कहते भी हिंदी तो आप जानते ही हो ना, तो यहाँ तो हिंदी लिखी जाएगी, जो कि वह माँ बोली संबंधित क्वेश्चन है। फिर सेंसस गलत हो जाता है, सरकार को डेटा गलत हो गया, डेटा की प्रोसैसिंग गलत होगी तो उस अनुपात रिप्रजेंटेशन घट हो जाएगी। मैं गल खत्म करता हो भी कहूँगा कि यह सम्मेलन एक प्रैशर ग्रुप के रूप में भी आके खड़ा होया भी एक बहुत वाला एक वोट बैंक लगा लो या एक बहुत वही जनसंख्या है जिन्हों इगनोर नहीं करना चाहिए, तो नहीं अगों मैं लगता कि कुछ प्रभावित पेगा। मान साहब तुम बड़ी चंगी गल कही और एक जो उदाहरण दिता है उसके नाल सानू हरियाणा वासियों को शर्म भी आनी चाहिए है भी कनेडा दे विच तां थर्ड लैंग्वेज पंजाबी हो जाए, तो हरियाणे दे विच एक मौका आया तो तेलुगू नू सैकंड लैंग्वेज कर दिता गया एक लीडर साढ़े ने। और इत्थे पंजाबी दे बोर्ड मैं भी यूरोप च गया, मैं लंदन गया, मेरा सिर उस वेले उपर हो गया जिस वेले साउथ हाल दे स्टेशन ते लिखा आया सी जी आई एम। मैं अज भी सानू वैसे अं कहे तो कहे भी गुलाम राजनीति हैगी है, मानसिकता हैगी है, साढ़े नगले जो अंग्रेज़ है शायद वो बहुत ज़्यादा डिवेलप है, तो उन्होंने मानसिकता भी डिवेलप हैगी है, उन्होंने उत्थे सानू अडोप्ट कर लिया। पर इतने हरियाणे के अजे भी पंजाबियों अडोप्ट नहीं किया जा रहा, ना उसकी लैंग्वेज अडोप्ट की जा रही है। इस वास्ते भी पंजाबी टीचर दिते जा
और पंजाबी स्कूलों के पढ़ाई जाए उत्थे जिहड़ा हैगा पंजाबी दी जगह ते ड्राइंग ड्राइंग दा ऑप्शन दे दित्ता। अजे भी इस सरकार जिंदे पंजाबी सीएम हैगे ने जिहड़े चंगी तरह पंजाबी जाणदे हैगे ने और पहली बारी हरियाणे दे 52 सालां दे विच पहली बारी कोई पंजाबी सीएम बनिया जिहड़ा गुरु घर नूं भी जाणदा हैगा ते उन्होंने उस पासे प्रयास भी कीते ने पर सरकारां जिहड़े अफसर चलांदे हैगे ने हो सकदा है उन्हां तक भी इह गल ना पहुंचदी होवे और उन्होंने भी ये अगे वध चढ़ के खास तौर पर बीजेपी वाले जिहड़े पंजाबी हैगे ने उन्होंने भी ये अपने आप को कहना पएगा भी असीं पहले पंजाबी हैगे बाद च बीजेपी दे हैगे। अगर ये गल करनगे तो पंजाबियों को शायद मान मिलना चालू होएगा। मैं अंतिम दौर दे विच प्रदीप जी कोलों बड़ा शॉर्ट क्योंकि साड़ी डिस्कशन बहुत लंबी है इन्हूं जिन्ना मर्जी लै जाइए पर साड़ी सीमावां ने ते प्रदीप जी अगे की संभावना ने ते की करोगे तुसी पंजाबी सिख सम्मेलन दे रास्ते नाल शॉर्ट विच पंजाबी सम्मेलन तो एक शुरुआत है बहुत कुछ करन दी लोड़ है खास तौर पर साड़ी मां बोली साड़ा सभ्याचार साड़ी विरासत साड़ा लिटरेचर ये चारों जिहड़े पावे है जब तक मजबूत नहीं होंदे पंजाबीयत कित्थे नहीं खड़दी सच्चाई है। सिर्फ सियासत करन नाल या राजनीतिक वह भी एक मुद्दा है असी कोई गलत गल तो नहीं कह रहे असी कह रहे कि साड़ी जिहड़ी रेशियो दे नाल सानूं रिप्रेजेंटेशन दित्ती जाए इहदे च डेमोक्रेसी च इस तों वधिया की गल होई ठीक है जिंदी जिन्नी कोई हिस्सा मिल बंदा नूं मिलना चाहीदा असी इहदे च कोई गलत मकसद साडी कोई नहीं असी मंग रहे हैं जे असी साडे रिप्रेजेंटेटिव उत्थे जाएंगे तां ही साडी गल चुकनी नहीं तां साडी गल करन वाला ही उत्थे कोई नहीं ਉਹ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ 66 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 5-4 ਤੇ ਆ ਗਏ 30-32 ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੁੱਟ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੇ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਗਲਤ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ 80% ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੋ ਦੇਖੋ ਬਾਟੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਸਭ ਕੋ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਪ 40-42% ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋ ਖੁਦ ਚਾਹੀਏ कि आप 10 MP की सीटें हरियाणा में तो कम से कम 4 पंजाबियों के खाते में जानी चाहिए। अगर 90 विधानसभा की हैं तो 35 सीटें उनकी बनती हैं। और मैं पंजाबियों के लिए ये संदेश देना चाहूंगा जो सम्मेलन इन्होंने किया है इसको मतलब ना केवल चुनावी दौर के अंदर करें इन हकों की लड़ाई के लिए वो हमेशा लड़ते रहे कदम दर कदम लड़ेंगे तभी जाके उनको कुछ मिलेगा। आज हमने अगर कोई मुख्य अतिथि बुलाना है किसी फंक्शन में तो दूर दूर तक कोई पंजाबी मंत्री नजर नहीं आता तो ये हालात तो ठीक नहीं है। स्टेट के हालात अच्छे होने चाहिए। ठीक है हम इन बातों को मानते हैं कि जातिवाद से ऊपर उठकर चलना चाहिए भाई वो कहते हैं ये हरियाणा एक हरियाणवी एक अच्छी बात है हम उनके साथ हैं लेकिन जो हमारे हक हैं वो हमें मिलने चाहिए सब पंजाबियों को जितने भी लोग हैं हाँ उनमें से चयन करना उनका काम है कि कौन अच्छे लोग हैं अच्छे लोग कौन जाके विधानसभा में बात कर सकते हैं कौन जाके दिखावा तक करते है मैं एक गल प्रदीप दी मान साहब दी एक गल जिहड़ी लैंग्वेज दी गल एक मिनट दा उदाहरण देंगा 2002-03 दे विच एक पाकिस्तान दी टीम आई सी कबड्डी दी असी रेस्ट हाउस जो इंटरव्यू लैन लगे तो जल्द मैं पंजाबी से गल कर लग्या तो उन्हें मेरा हाथ फड़ लिया कहना जी पहले दसो तुम कितों के मैं क्या असं इतों के ना ना तुम दसो मैं क्या जी साढ़े बुजुर्ग लैलपुर तो आए कहता ही तो मैं कह रहा साड़ी भाषा बोल रहे हो साड़ी सारी टीम फैसलाबाद लैलपुर की तो अच्छ 70-72 साल बाद भी असी मेरी इतने पैदायश हैगी है कई बार मेरे बच्चे भी कई बार योजी भाषा बोलते हैं और पता लगता भी ये लैलपुर तो आए हो इस वास्ते माँ बोली का सम्मान होना चाहिए
ते ए लड़ाई नूं अगे लैके जाना चाहिदा हैगा। ते मैं आखिर दे विच मान साहब तुहाडा की कहना हैगा पंजाबियां बारे, खास तौर ते मेरा ते कहना हैगा भी पंजाबी अपने आप नूं पंजाबी कहण, मुल्तानी अपने आप नूं मुल्तानी कहे। मुल्तान दी भाषा दी विच जिन्नी मिठास हैगी है ते असीं उहनूं मजाक विच लै रखे, असीं उस दे उत्ते फिर किसे दिन उस ते चर्चा करांगे। लेकिन मान साहब तुसीं तुहाडा की मनना है भी इस नूं अगे किवें लिया जाए? एग्जैक्टली यही गल है जी कि अरुण जी ने भी कहा कि कल्ली पॉलिटिकल मुद्दे तक नहीं, सेल्फ एसर्ट करो, अपने आप नूं हक नाल पंजाबी कहो, अपनी पंजाबी बोली का विस्तार करो, इस नूं जगह जगह तुसीं बोल के दसो कि इस तरह ये पंजाबी हैगी है। क्योंकि देखो लैंग्वेजेस का जिवें तुसीं कहा मजाक, आपां साउथी लैंग्वेजेस का भी इत्थे मजाक बनाने, साडियां फिल्म्स भी बनानी है जिथे काहे विवाहे वो इंटेंशन अच्छी नहीं है, क्योंकि एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ब्यूटी, है ना। असीं अंग्रेजी भी बोल सकते हैं, असीं हिंदी भी बोल सकते हैं, पर उस तो पहला साढ़े लिए जरूरी है कि असीं अपनी माँ बोली पंजाबी नूं अगे रख के फिर ठीक है, एज ए मीनस ऑफ कम्युनिकेशन। हो सकता है चीन में जाके तीनों ही भाषावां काम ना हो, साइन लैंग्वेज नाल ही काम करवाना पए, फिर तुहाडे की काम आई तुहाडी जबान जे असीं अपनी जबान छड़ के भी उन्हां नाल गलबात नहीं कर पाए। तो अज दी चर्चा इत्थों तक ही। अज सब तो वड्डा जिहड़ा मुद्दा उभर के सामने आया है वह यही हैगा भी असीं जिहड़ी भी लैंग्वेज साडी जिहड़ी भी मदर टंग हैगी है उसनों मान नाल बोलो और उसनों ऑन करो और सरकारां ते प्रेशर पाओ भी वो भी उस भाषा का ते उस कम्युनिटी का मान सम्मान करन। उन्हां नूं घट्ट तों घट्ट हरियाणा वालिआं नूं कनाडा तों सिखना चाहीदा है जिन्हां ने 4 करोड़ की आबादी दे विच, मेरा ख्याल नहीं है भी 30% उत्थे लोग पंजाबी हैगे ने, हालांकि 10-12% लोग ही पंजाबी ने, पर उन्होंने उन्होंने मान दिता, 5-6 मंत्री बनाए। हरियाणा दे विच तां एक सरदार नूं CPS बनाया सी वह भी हटाना पाया किसी भी कारण ते, और ये सारिआं नूं जिहड़े भी इत्थों दे लोग हैगे ने उन्हां दा मान सम्मान मिलना चाहीदा है। खास तौर पर अगर पोलिटिकली मान सम्मान मिलेगा तो उन्होंने बाकी जगह पर भी मान सम्मान मिलेगा। तो अज इन्ना ही, नमस्कार, सत श्री अकाल।